अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुकद्दस क्लीम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पॉलर सीक्रेट वाइटनिंग सीरम बताऊंगी, जो कि पॉलर्स वालियाँ छुपा छुपा कर वाइटनिंग क्रीम्स में ऐड करती हैं और फिर उसे सेल करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसा क्या ऐड करती हैं क्रीम्स में कि कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है, स्किन ग्लो हो जाती है। वही सीक्रेट आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जी, सब चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी है। हमें चाहिए है क्रीम, ठीक है, फेयर लवली क्रीम हमने ले लेनी है। आपके पास कोई भी क्रीम है, यानी कि जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर अपने फेस पर, चाहे वो पोर्स क्रीम हो, कोई भी क्रीम हो, वो हमने क्रीम ऐड कर देनी है, ठीक है, जो आपकी स्किन पर सूट करती हो। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये क्रीम ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों की ही स्किन वाइट होगी और दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे, ग्लो तो बहुत ही ज़्यादा आएगा फेस पर, ठीक है जी। तो उसके बाद हमें चाहिए तिब्बत क्रीम। जितनी हमने फेयर लवली क्रीम लेनी उतनी ही हमने तिब्बत क्रीम ली, यानी कि एक चम्मच भर के तकरीबन हमने फेयर लवली क्रीम ली है, एक चम्मच भर के ही हमने तिब्बत क्रीम इसमें ऐड कर देनी है। जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, तो वो इसे लगा सकते हैं। लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। तो जी, आप ये दिन में लगाएं क्रीम, नाइट में लगाएं, कोई मसला नहीं, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। उसके बाद हमें तीसरी क्रीम जो चाहिए है सेवन हर्बल। इसमें जड़ी बूटियाँ ऐड हैं, संदल पाउडर ऐड है, उपटन ऐड है, तो ये हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी। तो ये इसमें लाजमी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मैं अपनी कोई भी क्रीम यूज़ करती हूँ तो उसमें मैं इसे लाजमी ऐड करती हूँ। मेरी स्किन फ्रेश हो जाती है और वाइट जाती है, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है, इसीलिए ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्रीम है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तकरीबन जितनी हमने बाकी क्रीमें ली हैं उतनी ही हमने इसमें ये ऐड करनी है, ठीक है जी। अब ये इन तीन क्रीमों में हमने कौन सा ऐसा सीरम ऐड करना है जो पॉलर सीक्रेट सीरम है, हमारी स्किन को फौरी रिजल्ट देगा बिना डैमेज किए बगैर, ठीक है। सर्दियां हैं, अगर आप सर्दियों में मेरी ये क्रीम देख रहे हैं तो आप इसमें विटामिन ई के ऑयल, ठीक है, ये कैप्स नहीं है, विटामिन ई का ऑयल है, ये आपने तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप इसमें ऐड कर देने हैं क्रीम में, ठीक है। जबकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो अब हम इसमें ये ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम गोल्डन पल का वाइटनिंग बूस्ट सीरम है, ये हम इसमें ऐड कर, ये क्रीम गर्मियों के हिसाब से मैं रेडी कर रही हूँ, ना कि ऑयली स्किन वाले भी यूज करें, ड्राई स्किन वाले भी यूज करें, एक्नी नहीं होगी, दाग धब्बे खत्म होंगे, फाइन लाइन्स खत्म होंगी। तो इसीलिए इसमें हमने वही सीरम ऐड करने हैं जो कि हमारे स्किन ऑयल एक्स्ट्रा ना लेकर आए और ना ही ज्यादा स्किन को ड्राई करे, ठीक है जी। तो विटामिन ई का जो ऑयल है वो तो कर देना है हमने साइड पर। उसके बाद ये तीन सीरम हमारे पास हैं, और सबसे पहला जो सीरम है फेस फ्रेश का, ये हमने इसमें ऐड करना है। ग्लूपाटोन है, पिंक कलर का है, ठीक है, और बहुत ही इसके जबरदस्त रिजल्ट है, वाइटनिंग है, ठीक है, और ये हमें इंस्टेंट वाइटनिंग देगा। तो ये हमने इसमें ऐड करना है, फेशियल में, ब्लीच में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो पॉलर्स वाले जो छुपा छुपा कर सीरम ऐड करते हैं वो ये है, ये आपको 250 रुपए का मिल जाएगा, मुझे भी इतने का ही मिला है, ठीक है। ये इसमें तकरीबन आधा एम्प्यूल, यानी कि हमने इसमें ऐड कर देना है 4 से 5 ड्रॉप, ठीक है जी। इसके बाद हमने ऐड करना है गोल्डन पल बूस्ट सीरम, ये आपके फेस पर वाइटनिंग भी लेकर आएगा, उसके साथ साथ ग्लो लेकर आएगा, लिखा हुआ है इस पर, ये ग्लो को बूस्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये भी हमने 4 से 5 ड्रॉप इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद जी लास्ट हमें चाहिए ऑरेंज ऑयल। अब आप कहेंगे कि इतनी गर्मी में हम ये क्रीम बना रहे हैं, इसमें हम ऑरेंज ऑयल ऐड करें, आपकी स्किन वाइट होगी, ठीक है, आपकी स्किन पर विटामिन सी मिलेगा आपकी स्किन को, लेकिन ये ऑरेंज ऑयल का ये मतलब नहीं है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा, नहीं, ये एक्नी को ख़त्म करेगा, एक्नी के निशानात को ख़त्म करेगा, डार्क सर्कल अगर आपके हैं तो इस क्रीम की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमने 4 से 5 ड्रॉप ऐड कर दे रहे हैं और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सीरम है, ठीक है। तो ये मैं इसमें ऐड थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगी, यानी कि 7 से 8 ड्रॉप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मुझे स्किन पर वाइटनिंग चाहिए है, ग्लो चाहिए है, तो इसलिए मैं ये लाजमी हर क्रीम में ऐड करती हूँ। ओके, तो इस क्रीम को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी डिब्बी आपके पास खाली है महफूज करके रख लें, ख़राब आपकी नहीं होगी ये क्रीम। आप फ्रेश बना लें, एक हफ़्ते की ये क्रीम बनाएं, एक हफ़्ते बाद दोबारा आप फ्रेश बनाएं, किसी भी अच्छे से फेस वॉश से आपने अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। दिन में अप्लाई करें, 3 टाइम अप्लाई करें, 4 टाइम अप्लाई करें, नाइट में अप्लाई करें, कोई मसला नहीं, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। कल फिर आऊँगी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।